कैंप इसलिए करोगे एक दूसरे का ज्ञान शेयर होगा, दूसरा एक जगह में समभावी सम विचार लोग रहेंगे, तीन चिंतन शिविर बनेगा, पांच ज्वाइंट एजुकेशन इज जॉइंट एजुकेशन, एक दूसरे से सीखना और आगे एप्लीकेशन करना, चार टारगेट मस्ट देना, जैसे आपको हरिया के गांव में बोला कि भाई किसान लोगों का शिविर करो, किसान लोगों को मीटिंग करो, आप कितना बार किए होगे नहीं किए होगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक तो एक्सपीरियंस हो गया कि आदिवासी क्षेत्र में जाके सबको मीटिंग बुलाना और उसमें क्या होता है, कैसे सो जाते हैं, कैसे दारू पी के आते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। आप उसके लिए 10 वीडियो मिल सकता है। पांचवा कि अब यहाँ पर आए हो ये आपका मर्जी, करोगे नहीं, मैं अभी और टैक्स नहीं दे रहा हूँ, आपका मर्जी बोल रहा हूँ, देखो हो सके तो यहाँ और ज़्यादा प्रेशर है, उनसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ तो कर भी लिया हरे कृष्ण के पावर से, यहाँ तो किसी का भी पावर नहीं, ठीक है, और यहाँ उड़ीसा का सबसे दो खतरनाक पावरफुल शक्तिशाली बहुत प्रचंड क्रूर बुद्धिमान चसा और अग्रिया, इनका कोई मेडिसिन नहीं है, इनका कोई चाबी ही नहीं है, और वो चसा जाति यहाँ रहता है, समझ में आ रहा है, चसा को मेरा मामा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चसा भाई लोग सुन रहे होंगे, माफ करिए, चरण चुटिया, जरूरत पड़ा पैर पकड़ा, जरूरत पड़ा बाल पकड़ लेगा, तो यहाँ भी चैलेंज है। तो ये कैंप करने से ये बेसिक बात हो गया, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपका नॉलेज बढ़ेगा, कैंप किया सबसे पहला बात पब्लिक रिलेशन होगा, दूसरा बात ये नया लोगों तक पहुंचोगे, नया अभी हो का फेल कहाँ हो रहे हो जानते हो, तुम देखा कि अक्षय भाई का लोग हैं 25,000-30,000 शायद ये लोग कर देंगे, नहीं करेगा वो लोग, जैसे मेरा गुरु डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा शरीर छोड़े तो मेरे को जिम्मेदारी दिए कि इनको संभाल लेना, उम्र बहुत कम था, मेरे से बड़े बड़े थे, लेकिन नहीं संभलेंगे वो, क्यों, क्योंकि वो पूर्णचंद्र पंडा का फॉलोअर्स हैं, मेरा नहीं, मेरा एकदम फॉलोअर्स नहीं है, मुझे क्यों मानेंगे, पूर्णचंद्र गए हो गए काम खत्म, तो अपना फॉलोअर्स बनाओ, नया लोगों तक पहुंचो, नया जाके नया गांव पे पहुंचो, उनको समझाओ, वहां शिविर करो, उनके साथ दोस्ती करो, संपर्क करो, वो लोग शिविर में आएंगे, काम नहीं, हम फेल क्यों हैं, हम काम करते नहीं हैं और आशा करते हैं कि हो जाएगा, गांव पे जाते नहीं है, प्रवास करते नहीं है गांव में जाके, तुम इससे क्या होगा, 30 दिन में 30 गांव में जाके रहोगे, बातचीत करोगे, बेशरम जैसे बात करोगे, घुस घुस के खाओगे, भीख मांग के खाओगे, उनको समझ में आया कि यार यार ये सच में एक दूसरा गोपबंधु उड़ीसा में निकल रहा है, अभी निकलेगा पक्का, एक और गोपबंधु निकलेगा, अब जरूरत आ गया है, तो कैसे होगा, ये ज्ञान दोगे तो ना, मैं जो जो बताया आपको पहले पता था, नया मिला ना, तो आगे बैठोगे तो और नया मिलेगा, उसे आगे बैठोगे तो और नया मिलेगा, आगे शिविर होगा तो और नया, और इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 शिविर पे लेके जा सकते, ये बेसिक बात हो गया, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बाबा आदमी बिना दक्षिणा का तो काम नहीं होता, ये जब शिविर करने लगोगे और एक ठो भूचाल होने लगेगा, फिर 10-20 शिविर के बाद आज तुम बुला बुला के ला रहे हो ना, जब यहाँ पर 25-50 शिविर हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिक डिमांड करेंगे, ऑटोमेटिक डिमांड करेंगे कि सर शिविर करिए, हम लोग आएंगे, मेरा बेटा भी जाएगा सर, थोड़ा योग निद्रा वगैरह सिखा देना, तब तुम क्या बोलोगे, बोलो टाइम नहीं, पैक है, बहुत बिजी हूँ, पॉसिबिलिटी कम है, और इस बार तो पैसा भी शॉर्टेज हो गया, तब तुम उस समय ना एक शिविर का 10,000 बोलोगे तो देने के लिए तैयार है, और अगर तुम मनी ओरिएंटेड शिविर भी करते हो, एक लड़का से 1,000 लेते हो, 3 दिन खिलाते पिलाते हो ना, तो एक कैंप से एक लड़का से 500 रुपया बचता है, 100 बच्चे हो गए तो 50,000 रुपये ऐसे पॉकेट में 3 दिन में कमाते हो, बहुत सारे ऐसे शिविर ऑर्गेनाइज करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत ऐसे दिखा दूंगा मैं, ऑल इंडिया लेवल पे हैं, तो सोचो तुम 3 दिन से 7 दिन में 50,000 कमाते हो भाई, बोलोगे कहाँ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है यहाँ, कुछ नहीं करना, थोड़े लिपा पूछा करके सेटिंग कर देने से हो गया, एक बात बता, अगर तुम शिविर में मास्टरी ले लिया तो साल भर में नौकरी करके जितना नहीं कमाऊंगा, तुम एक शिविर में उतना कमाओगे, और आदमी लाइन लगाएगा, आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्ट्री जानते हो ना, इतना शिविर आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लास्ट में 50,000 भी फीस रखा गया तो लोग आपके शिविर करने लगे, तो प्रोसेस तो बढ़े, वो तो प्रोसेस नहीं बढ़ रहा, तो एक बात, आप लोग जो भी यहाँ से जा रहे हो, अपने एरिया में भी शिविर रखो और बाहर भी शिविर रखो, आदमी ढूंढने का कोशिश करो, और अभी से सबके साथ अच्छा संपर्क रखोगे तो तुम्हारे शिविर में आएंगे, ऐसा नहीं कि तुम फेसबुक व्हाट्सएप करते हो और बुला देने से आ जाएंगे, नो,
तुम्हारा लोगों के साथ संपर्क कैसा है, व्यवहार कैसा है, कैसे चाल चलन है, उनका कितना दुख सुख में भागीदारी हो रहे हो, तब बुलाओगे तो आगे। ठीक है, कैंप 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 सबको बोल रहा हूँ, सबको अपने अपने में करो। जैसे पहला बताया था, कथा करना, परिव्राजन करना एक दूसरे के गाँव में जाके। और गौ कथा एक ऐसा बिजनेस है, सॉरी मुझे बिजनेस कहना पड़ रहा है, और मैं पॉजिटिव पार्ट में कह रहा हूँ। अगर सोचो 10 आदमी मिलके अगर कहीं पर कथा ऑर्गेनाइज करते हो, कोई बड़ा शहर में एक पूरा टीम बन गया, होर्डिंग पोस्टर पाम्पलेट बैनर और खाता किताब लेके सारा मारवाड़ी, बड़े बड़े शॉप, बड़े बड़े कंपनी को स्पॉन्सर्स लेते हो, 3 दिन का गो कथा करते हो या 7 दिन का गो कथा करते हो, तो जानते हो मेरे को यूटिलाइज करके 3 दिन से 7 दिन में 27 लाख खा गए मारवाड़ी लोग, 27 लाख मेरे नाम पे, मेरा फोटो दिखा के। वो पैसा क्या किया, और मेरे को ले दे के 60,000-70,000 दे दिया। बाद में उनका अंदर जब झगड़ा होने लगा पैसा के लिए, मेरे को खबर मिला कि सर आपके नाम पे पूरा ओरिया का प्रोग्राम बता रहा हूँ, पूरा एरिया से कलेक्शन हुआ है, एक दुकान एक घर नहीं छोड़े, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो नेता लोग पैसा दिए, गौ के नाम पे ले लो कितना पैसा। ठीक है, 27 लाख उस समय, मतलब आज से 7-8 साल पहले का बात कर रहा हूँ, 27 लाख उस समय कमा दिया। तो तुम अगर उड़िया ऊपर से कट किया भद्र किया, तुम लोग रह के अगर मेरा नहीं कर पाया, खा नहीं पाया, और ऑल ओवर इंडिया में तो जानते हो कटक का नाम तो बहुत टॉप में है, और सारा भारत डरता है, उड़ीसा वाले तो डरते हैं, कटकिया तुम जाओ झिरपानी में, कटकिया करने से घर नहीं मिलेगा, बड़ा कटकिया भाग भाग, ब्रह्मपुरिया बोलने से तो और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे चतुर चालाक होके भी भीख मंगा होके घूम रहे हो, तो मेरा गलती तो नहीं है, मेरा गलती तो नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। कटकिया होके हम फेल हैं, कटकिया ब्रह्मपुरिया जुगाड़ में मास्टर है, इम्पॉसिबल जगह में पॉसिबल कर देगा, बहुत टॉप लेवल का ब्रेन है उनका, फिर भी फेल हो, कैंप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, प्रवचन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, फिर हो गया। देखो प्रवचन में भीड़ हो नहीं हो, लोग आए नहीं आए अलग बात, लेकिन मेरा हर प्रवचन पॉजिटिव साइड में कहूंगा शिविर चलता है, कथा तो शाम को 2-3 घंटे के लिए होता है, लेकिन बाकी जो जितने सारे मेरा इर्द लोग उस लोकल लेवल पे आते हैं, दिन भर शिविर चलता रहता है। तो हो गया ना शिविर, मेरा साधना शिविर हो गया ना। तो इसलिए कैंप्स के ऊपर फोकस करो, और अगर आप लोगों का यूनिटाइजेशन है, पकड़ लो अभी जयपुर में एक ठोस गो कथा हो गया आचार्य संजय जी महाराज, कटक में हो गया आचार्य संजय जी महाराज, अब कटक मेन टाउन में अगर एक ठो खाता बना के गो कथा हो रहा है, आचार्य संजय जी आ रहे हैं बोल के घर घर दुकान दुकान घूमोगे, हर दुकान अगर 1 रुपया भी दे तो हिसाब कर लो ना, और 1 महीना पहले से प्रिपरेशन कर लो, जाना पड़ेगा, बेशरम होना पड़ेगा, समाज का सेवा करोगे और बोलोगे हम VIP, तो नहीं कर सकते, समाज का सेवा नहीं कर सकते, गोरक्षा नहीं कर सकते, देश रक्षा नहीं कर सकते, भू रक्षा नहीं कर सकते हो, गुरुकुल खोल नहीं सकते हो, हमारा अहंकार को तो नाश करो पहले, मांगना है भीख मांगना है दो, तो गौ कथा होगा, जो पैसा बचा एक गौ कथा में तेरा गुरुकुल का सारा अकाउंट कवर हो जाएगा, एक गौ कथा में मैं 1 रुपया नहीं लूंगा आपसे, प्रोग्राम हो जाए, गौ माता का रक्षा हो जाए, गुरुकुल खुल जाए, जंगल डेवलपमेंट जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ 1 एकड़ 10 जिसमें का प्रोजेक्ट है, वो लोग देने के लिए तैयार है, लेने वाला कोई नहीं है, पूरा एकदम लिख के दे देंगे बोल रहा है, ले लो पूरा ओडिशा गवर्नमेंट के नाम पे दे दूंगा, गुरुकुल के नाम पे दे दूंगा बोल रहा है, वो स्वामी जी महाराज वहां बैठे हैं 20 एकड़ ले लो, कोई नहीं है लेने वाला, कोई करने वाला नहीं है, लेकिन शर्त बोले मैं जब तक जीवित हूँ यहाँ रहूंगा, मर जाऊंगा मेरे को कवर दे देना, और टारगेट यही, मैं जब भी उनसे जब मिला तो बोले भाई आचार्य संजय तुम जो बोल रहे हो वो सब यहाँ होना चाहिए, और बोलेगा गुरुकुल बोल के ढाबा खोलेगा और हंसे बोतल कांधे कुकड़ा बोला मुंह नीचे उठी कि परशुराम की हानि देवी, ये कर दो, वो बोल रहा है मेरे को कोई दान दिया जमीन, उसका सदुपयोग मुझे नहीं लगा कि आचार्य संजय के सिवा कोई और कर सकता है, और तुम जो बोल रहे हो जो लक्ष्य है यही तो जीवन का लक्ष्य है, लो जी 20 एकड़ फुल डोनेशन दे रहा ले लो, लेकिन वो उतना दूर जाएगा कौन, रहेगा कौन, करेगा कौन, 1 घंटे का टाइम देता हूँ फटाफट रेडी हो जाओ, और डिले करोगे तो तुम्हारा